अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान, MJTV। आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाज़मीन 16,000 के करीब मुलाज़मीन के उन नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत हुई, जिन दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त 2021 के उस फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसके बाद 2010 का मुलाज़मीन की बहाली का एक कानून आइन से मुतसादम और कालादम करार दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने 17 अगस्त को अपने फैसले में उस कानून को, 2010 के कानून को, जब गैर आइनी करार दिया, वो कानून ख़त्म हो गया, तो उस कानून के तहत बहाल शुदा तकरीबन 16,000 के करीब सरकारी मुलाज़मीन जो हैं, नीम सरकारी इदारों के, कॉरपोरेशनों के और सरकारी इदारों के, वो घर बैठे अपनी अपनी नौकरियों से महरूम हो गए। और पिछले कई दिनों से वो शरह दस्तूर पे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे के बैठे हुए हैं। और आज की समात फैसला कुन समात थी, मगर आज फैसला महफूज कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 5 जजों ने अपने 3 मोहतरम साथी जजों के फैसले पर जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी उनकी समात की, और इन 5 जजों के बेंच की सरबराई जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। कल इस बात की तवक्को है, बल्कि कल का ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो कल अपना फैसला सुनाएगी। आज अटॉर्नी जनरल के दलाइल इंतहाई अहम थे और बुनियादी अहमियत रखते थे। आज अगर ये कहा जाए कि आज अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद के दलाइल की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो धारा था बहस का, उसका रुख तकरीबन मोड़ा जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस बात की तरफ माइल नज़र आ रही है कि वो पार्लियामेंट की भी इज्जत और वक़ार और उसका भरम बरकरार रखे और आइन और कानून के मुताबिक जो है मुलाज़मीन के जो हकूक़ हैं वो उन्हें ज़रूर मिलें। अब इसका ये मतलब शायद हरगिज़ नहीं कि बग़ैर किसी शर्त के तमाम मुलाज़मीन को वापस बहाल कर दिया जाएगा, मगर ये उम्मीद की जा रही है आज अटॉर्नी जनरल के दलाइल और मुअज़्ज़ज़ जजों के रिमार्क सुनने के बाद कि शायद जो मुलाज़मीन हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो अपने ओहदों पे, अपने जॉब्स पे वापस आ सकती है, मगर उसकी शराइत क्या होगी कल सुप्रीम कोर्ट इस बारे में वजाहत करेगी। मगर जो कानून है 2010 का, उसके मुस्तकबिल के हवाले से अहम सवाल था जो अटॉर्नी जनरल ने उठाया, और उसने कहा कि पार्लियामेंट को ये हक हासिल है कि वो अवाम की फलाह और बहबूद के लिए, अवाम के किसी भी क्लास या तबके के लिए कोई भी कानून साजी कर सके। और मौजूद जजों की तरफ से भी जो ऑब्जर्वेशन और जो रिमार्क्स थे, वो आज यूं लग रहा था कि वो पार्लियामेंट के आइनी स्टेटस को और आइनी हैसियत को समझ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, और उनके कंसर्न सिर्फ ये है कि आइन के अंदर जो इम्तियाजी सलूक के हवाले से शिकें हैं कि शहरियों में इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, बराबर के हकूक मिलने चाहिए, उन शिकों की कोई ख़िलाफ़ वर्जी ना हो। आज जब समात का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने आगाज़ में ही कुछ वजाहत पेश की अपने उस फार्मूले की, कि जो फार्मूला उन्होंने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। उन्होंने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों को बताया कि कल जो उन्होंने 4 शरायत या 4 जो तजावीज़ दी थी, उनमें सबसे पहले ये कि 1 से 7 यानी ग्रेड 1 से 7 के जो मुलाज़मीन हैं उनको बग़ैर किसी शर्त के बहाल कर दिया जाए, और उसके बाद जो दूसरी तजवीज़ उन्होंने दी थी कि जो ग्रेड 8 से 17 यानी 17 और अबव जो लोग हैं, बाकी सबको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबले के इम्तिहान उनका लिया जाए, और जो उसमें कामयाब हों सिर्फ उनको जो है वो रेगुलर तैनात किया जाए, और उनकी रेगुलर तैनाती जो है वो इस इम्तिहान के नतायज के ऐलान की तारीख से तसव्वुर होगी, और पिछली जो 10-12 साल की उनकी सर्विस है वो एडहॉक तसव्वुर होगी और सीनियरिटी के लिए कैलकुलेट नहीं की जाएगी। और तीसरी जो उन्होंने शर्त दी थी कि पेंशन जो लेके जा चुके हैं उनसे वापस पेंशन या मुराद न ली जाए, और बल्कि जो मुस्तकबिल की जो पेंशन, अब जो लोग रिटायर होंगे तो उनको पेंशन ना दी जाए, जो अभी जो पेंशन ले रहे हैं ये सेक्ट मुलाज़मीन की कैटेगरी में जो बहाल हो के अब रिटायर हुए थे, तो उनकी मज़ीद पेंशन ना दी जाए। और आखिरी चौथी शर्त जो कल उन्होंने दी थी वो ये थी कि जिनके मुकदमात 2009 के ऑर्डीनेंसेस के तहत जो बहाल हुए थे और जिनके मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं, वो अपने मुकदमात की पैरवी जारी रखें और सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म का
उन मुकदमात पे असर नहीं होगा। तो आज अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद ने ये वजाहत की है कि जो भी शरायत उन्होंने दी हैं उनमें एक चीज़ ये ज़रूर शामिल कर लें कि कोई भी वो शख्स बहाल नहीं होगा जिसको इन बरतरफ मुलाजमीन की कैटेगरी में से वो शख्स बहाल नहीं होगा जिसको मिसकंडक्ट या करप्शन के इल्ज़ाम में या फिर ड्यूटी पर हाजिर ना होने के इल्ज़ाम में उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई थी, वो जो है बहाल तसव्वुर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के नतीजे में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो उन्होंने चार तजावीज़ दी थी ये सिर्फ तजावीज़ थी और ये मशरूत हैं कि तमाम मुलाजमीन और जो ख़ासकर दरख्वास्त गुजार मुलाजमीन हैं वो इन तजावीज़ से इत्तफाक़ करें। अगर वो इत्तफाक़ करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करे, इन तजावीज़ को अपने फ़ैसले का हिस्सा बनाने पर गौर करे। अगर वो इत्तफाक़ नहीं करते तो फिर ये तजावीज़ हुकूमत की तसव्वुर ना की जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फ़ैसला दे। और अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि आज अटॉर्नी जनरल ने फिर अपने अपने मौक़िफ़ को दोहराया वफाकी हुकूमत के कि वफाकी हुकूमत यह चाहती है कि 2010 का जो कानून है उसको बहाल किया जाए, उस कानून को पास करने का अख्तियार जो था और प्रेरोगेटिव और इस्तेहकाक वो पार्लियामेंट का था और पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है कि वो मुआशरे में किसी भी तबके के लोगों के लिए उनको उनकी फलाह और उनकी बहबूद के लिए कानून साजी कर सकती है। तो ये अटॉर्नी जनरल ने अपना मुख्तसर मौक़िफ़ दोहराया। और अगर आज की तमाम प्रोसीडिंग को समराइज़ किया जाए प्रोसीडिंग की तफसीलात में जाने से पहले तो मुख्तसर ये कि आज यूँ लग रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस उमरता बंदयाल और किसी हद तक जस्टिस सजाद अली शाह भी वो माइल बकरम नज़र आए और वो समझ रहे थे कि पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है अगर उन्होंने कोई तबका क्रिएट भी किया है तो वो तबका क्रिएट करना वैसे ही है जैसे सैलाब के मुतासरीन लोगों के लिए कोई कानून साजी की जाए, वबा के मुतासरीन के लिए कोई इमदादी इजाफी इमदाद हुकूमत देने के लिए कोई कानून साजी करें, या फिर जलजला जब आ जाता है तो उनकी इमदाद के लिए कोई नए इदारे बनाए जाएँ या कानून साजी की जाए। तो ये तबके जो हैं वो आफात की वजह से भी क्रिएट होते हैं और जो महरूम तबके हैं उनके लिए खसूसी कानून साजी करने का अख्तियार पार्लियामेंट को होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आज डेवलप होती नज़र आ रही थी मौजूद जजों के बीच में भी और इसी हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस उमरता बंदयाल के जो रिमार्क्स थे उनमें भी इस समझ की और इस अंडरस्टैंडिंग की झलक नज़र आ रही थी। जैसे उमरता बंदयाल ने समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल से मुखातब होकर कहा कि आपने एक दिन पहले 2010 के कानून को ख़त्म करने की मुखालफत की थी और कहा था उस कानून को ख़त्म करने की बजाय उस कानून की तशरीह ऐसे की जाती कि कानून भी बरकरार रहता और उसका जो अमल दरामद है या उसकी जो तशरीह है वो इस अंदाज से होती कि जो भी इनोबलीज हैं या जो उस कानून में कमज़ोरियां हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और जैसे उमरता बंदयाल ने कहा कि ये जो इस वक्त जो समात हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल एक नई जहद की तरफ जा रही है, इसमें कुछ नए रंग आ गए हैं, ये है तो नज़रसानी की समात और नज़रसानी की समात का स्कोप बहुत महदूद होता है मगर ये इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मुतासर हुए हैं तो ये मामला भी अब जो है वो नज़रसानी का नहीं रहा, ये अब पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बनता जा रहा है, मफाद आमा का मामला बनता जा रहा है और इस हद तक कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के नफाज करने का जो उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जो सुओ मोटो अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट मफाद आमा के इस मामले को अगर चाहे या अगर चाहेगी तो उस अंदाज से भी देख सकती है। और ये मामला जो है अब सिर्फ नज़रसानी का मामला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी पुराने फैसले पे ये फैसला करे कि वो फैसला गलत था या सही, अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के गलत या सही होने का फैसला नहीं देगी बल्कि अब वो मुफाद आमा के अंदर इस फैसले के अंदर तमाम फिक्रेन को सुन के असर नो इस सारे कानूनी सवालात का जायजा लेकर एक नया फैसला करने का भी सोच रही है। और फिर जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि हमने इंसाफ को यकीनी बनाना है और हमने ये भी देखना है कि जब भी नौकरियां शहरियों को दी जाती हैं तो उसके लिए जो मरवजा तरीक़ाकार है उसको फॉलो किया जाता है या नहीं, और फिर हमने ये भी देखना है कि जब लोगों को निकाला गया नौकरियों से तो उस वक्त भी कोई तरीक़ाकार अपनाया गया या नहीं, और फिर उसके बाद जो कवानीन हैं वो शहरियों को हकूक तो देते हैं मगर
وہ قوانین جو ہیں آئین میں بنیادی انسانی حقوق کے برخلاف کسی خاص طبقے کو حقوق نہیں دے سکتے. اور یہی جواب جیسے امتا بندیال کا کہنا تھا کہ اسی سوال کا جواب ہم لوگ آپ سب سے مانگتے رہے ہیں. اور اب جو ہم نے لارجر بینچ میں بیٹھ گئے ہیں, پہلے 3 ججوں کا فیصلہ تھا, اب 5 ججوں کا, تو اب ہم نے آئین کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا ہے. اور اب جو آپ کی تجاویز ہیں, جو اٹارنی جنرل کی تجاویز ہیں, اب ہم نے ان کو نہیں دیکھنا, اب ہم نے نئے سرے سے آپ نے جتنے بھی دلائل جو دینے ہیں ان کی بنیاد پہ جو فیصلہ کرنا ہے. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ جو 2010 کا قانون ہے ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کی تشریح سے کریں کہ قانون بھی برقرار رہے اور جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی نہ ہو اور لوگوں کو امتیازی سلوک کا بھی شکار نہ ہونا پڑے. اس حوالے سے آپ ہماری معاونت کریں اور سپریم کورٹ کی کو اسسٹ کریں اور اس کے بعد ہم پھر ایک فیصلہ کریں گے. اور آئین ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے, ہم نے سب کو سنا ہے, اب آنے والے وقت میں ہم نے ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جو آئین کی حرمت کو بھی برقرار رکھے. اور آپ نے ہمیں بتانا ہے, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ کچھ ادارے ایسے تھے کہ جو کارپوریشنز تھی, جو خود مختار ادارے تھے, مگر ان میں بھی حکومت کا کنٹرول تھا, جیسے کہ سوئی نادرن گیس, سوئی سدرن گیس, اسٹیٹ لائف انشورنس اور دوسرے ادارے جو ہیں, ان میں بھی حکومت کا کنٹرول تھا. اور جب حکومت کا کنٹرول آتا ہے تو اس کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر مفاد عامہ کا پہلو بھی آ جاتا ہے, اور حکومت کو تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک اور مساوی مواقع دینے کی ذمہ داری بھی اس پہ آ جاتی ہے. اور یہ جتنی بھی بھرتیاں ہوئی ہیں ان بھرتیوں کو بھی مختلف مراحل میں کیا گیا ہے, اور ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اور پچھلے 30 سال سے یہ ہماری عدالت اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اسی بات کے اوپر فائٹ کرتی رہی ہے کہ اس طرح کے بھرتیوں کے عمل میں شفافیت ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, انصاف ہو, اور جو نوکری کا تقاضا ہے, جو محکمے کے مقاصد ہیں, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ہے طریقہ کار بھرتیوں کا اپنایا جائیں, اور جو ملازمتیں ہیں وہ کوئی خیرات کے طور پہ نہیں بانٹی جا سکتی. ہم یہ مانتے ہیں کہ گریڈ 1 سے 7 تک کوئی خاص معیار جو ہے مقرر نہیں کیا جاتا بھرتیوں کے لیے, مگر اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, اور ہمیں آپ نے وہ بتانے ہیں کہ وہ کیا اصول ہیں, اور ہم تاکہ 2010 کے قانون کو برقرار رکھ سکیں. اور آپ نے ہمیں اس حوالے سے آپ نے ہماری معاونت کرنی ہے. اور ایک بار پھر جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ یہ اب نظر ثانی کی پروسیڈنگ نہیں رہی, اب تمام لوگوں کو جن کو پہلے شکایت تھی کہ ان کو سنا نہیں گیا, اب ان کو بھی سنا گیا ہے, اٹارنی جنرل کو بھی سنا گیا ہے, تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے, اب ہم نے افسر نو ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے. اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ وہ اپنے دلائل کا آغاز کریں. اٹارنی جنرل نے اپنے نظر ثانی کی درخواست پہ باقاعدہ دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ 2010 کا جو قانون وہ اس لیے لایا گیا تھا کہ جو ماضی کا جتنا بھی عمل تھا, جو آرڈیننسز کے ذریعے جو بھرتیوں کو جس نے تحفظ دی گئی تھی, جس عمل کو, اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تو اس لیے 2010 کا قانون لایا گیا تھا. اور وہ لوگ کون تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اس کے لیے اٹارنی جنرل بارسا خالد جاوید نے سینٹ میں ہونے والی اس مباحثے کا, ان تقریروں کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش کیا, جن تقریروں سے واضح ہوتا تھا کہ کون سا وہ طبقہ تھا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے 2010 کا ملازمتوں کی بحالی کا قانون لایا گیا تھا. اٹارنی جنرل نے اس وقت کی تقریروں کے ریکارڈ سے, سینٹ کی ریکارڈ سے, سینیٹر رضا ربانی کی ایک تقریر کا متن سے پڑھ کے سنایا, جس میں سینیٹر رضا ربانی نے اس وقت 2010 کے اندر سینٹ کی تقریر میں بحث کے دوران ان کی تقریر کے مطابق سینیٹر رضا ربانی کہہ رہے تھے کہ جب بھی غریب کی بات ہوتی ہے تو پھر قانون کی بات کو بیچ میں لایا جاتا ہے, لوگوں کو نہ تو شو کاز نوٹس دیا گیا, نہ وجہ بتائی گئی, اور ان کو ایک ہی بجٹ جنبش قلم نکال دیا گیا. ہائی کورٹوں اور سپریم کورٹوں نے بھی ان لوگوں کو بحال کیا تھا, اس وقت کی حکومت نے عدالتی فیصلوں کے باوجود بھی ان کو بحال نہیں کیا. اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جو بیرسٹر وسیم سجاد ہیں وہ بھی اس وقت ہائی کورٹوں میں بطور وکیل پیش ہوتے رہے ان ملازمین کی بحالی کے لیے جن کو نواز شریف دور میں نکالا تھا, اور عدالتوں کے حکم کے باوجود بھی جب ان کو بحال نہیں کیا گیا تو بیرسٹر وسیم سجاد جو تھے وہ توہین عدالت کی
درخواستیں بھی عدالتوں میں دیتے رہے ہیں. تو اٹارنی جنرل کے مطابق یہ وہ مقصد تھا 2010 کے قانون کا لانے کا, یہ وہ آبجیکٹ تھا کہ یہ وہ مقصد تھا اور یہ وہ پس منظر تھا جس کی وجہ سے 2010 کا قانون لایا گیا کہ ایک طبقے کے لوگوں کو بلیک جنبش قلم ملازمتوں سے محروم کر دیا گیا اور پارلیمنٹ اس زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی. اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو قانون کو اگر اس طریقے سے تشریح کرنا ہمارا مقصد ہے کہ وہ قانون بھی برقرار رہے, تو یہ قانون جو ہے صرف اور صرف ایک جو غلطی ہوئی تھی اس کی درستگی کے لیے لایا گیا تھا, اور وہ غلطی یہی تھی کہ ان تمام ملازمین کو شو کاز نوٹس جاری کیے بغیر ہی ان کی نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا تھا. پھر اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ اس تمام عمل میں انفرادی لوگوں کو انفرادی طور پہ لیٹر نہیں جاری کیے گئے تھے اور نہ ہی ان کو انفرادی طور پہ وجوہات بتائی گئی تھی, اور نہ ہی کسی عدالت نے جب یہ کیسز عدالت میں یہ لوگ گئے ان کو نکالنے کے بعد اس وقت جو عدالتیں تھیں تو اس عدالت میں بھی کہیں یہ فائنڈنگ نہیں آئی انڈیویجول کیسز میں انفرادی درخواستوں کے اوپر, کسی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ ان کو آئین کے برخلاف تعینات کیا گیا, جیسا کہ اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تین ججوں نے کہہ دیا تھا کہ 2010 کا قانون جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے. تو ماضی میں کبھی کسی عدالت نے جب انفرادی مقدمات وہ سنتے تھے نوکریوں کے حوالے سے تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ آئین کے برخلاف ان کی تعیناتی ہوئی, نہ ہی کوئی ان کے خلاف عدالتوں میں اس وقت گیا, اور 11 سال بعد اب جا کے یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے. اور یہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا تھا اور یہ ایک تاثر بنا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ سیاسی بنیاد طور پہ بھرتی ہوئے ہیں, ناجائز بھرتی ہوئے ہیں, اور یہ تاثر بنا دیا گیا تھا, اور جو متعلقہ اداروں کے جو سربراہان تھے انہوں نے بیک جنبش قلم اپنے اپنے اداروں سے ان سب لوگوں کو نکال دیا. یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کی یہ غلطی ہے, آپ کی یہ غلطی ہے, آپ کا یہ قصور ہے, تو ایک تاثر کی بنیاد پہ ان سب کو نکال دیا گیا تھا. اور حتیٰ کہ جو کانٹریکٹ کے امپلائیز تھے ان کو بھی صرف محض ایک تاثر کی بنیاد پہ نکال دیا گیا, اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ کا کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہے اور ہم اس لیے آپ کو نکال رہے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے ہم آپ کو نکال دیں, کانٹریکٹ کا حوالہ بھی نہیں دیا گیا. اور جو ایک ہی لیٹر کے ذریعے تمام سرکاری اداروں کے ملازمین کو نکالا گیا تھا. جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ ہمارے سامنے, جسٹس سجاد علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی بھی شخص ایسا پیش نہیں ہوا کہ جس نے کہا ہو کہ دیکھیں مجھے یہ ٹرمینیشن کر کے نکالا گیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نکالا گیا تھا تو کبھی عدالتوں میں تو کوئی نہیں آیا ہمارے پاس. تو اس پہ اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ بالکل آپ کی بات درست ہے, آپ کے پاس وہ کیسے آتے اگر ان کو انفرادی طور پہ بائی نیم لیٹر جاری نہیں کیا گیا, ایک کوئی لیٹر محکمہ نے جاری کیا فائلوں میں رہ گیا اور ملازمین کو دیا ہی نہیں گیا تو وہ عدالتوں میں کیسے آتے. تو بقول اٹارنی جنرل کے یہ متعلقہ محکمے کے سربراہان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ لیٹر جو ہے ریکارڈ پہ لاتے ہیں, انفرادی طور پہ جاری کرتے ہیں, اور پھر ان ملازمین کی بھی بات آپ کی درست ہے, یہ ملازمین بھی اس لیٹر کو لے کے کسی عدالت میں نہیں گئے کیونکہ ان کے نام پہ وہ لیٹر جاری نہیں ہوئے تھے, اس لیے وہ کسی عدالت میں نہیں جا سکے. جیسے مطاب نے کہا کہ جو اپوائنٹمنٹ لیٹر تھے اس میں کوئی مٹیریل نہیں تھا ایز سچ, اور نہ ہی ان کو برخاستگی کے جو خطوط جو آرڈر آیا اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز تھی, بلکہ ٹرمینیشن لیٹرز کے اندر تو مائنڈ سیٹ شو ہو رہا تھا. یہ عمر تاب اندیال صاحب اٹارنی جنرل سے مخاطب ہیں کہ آپ کے مطابق جو ٹرمینیشن کے لیٹر تھے ان میں ایک مائنڈ سیٹ شو ہو رہا تھا کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ نکالے جانے, مگر جو لا ہے 2010 کا اس کے اندر کمپنسیشن دی گئی پچھلے 10 سال جو بے روزگار رہے, تو وہ 10 سالوں کی کمپنسیشن دی گئی تقریباً 3 سال کی تنخواہوں کے برابر, 10 سالوں میں سے 3 سال کی تنخواہوں کے برابر. اس پہ جیسے قاضی امین الدین جو ہیں جو کہ پہلے والے فیصلے کے آتھر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں, اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا تھا کہ اب یہ 2021 آ گیا ہے تو اگر اس وقت کوئی چیلنج کرتا تو کرتا, اب 2021 میں آ کے کوئی کیا چیلنج کرے گا کہ ان لوگوں کو جو ہے غلط تعینات کیا گیا تھا, اور اس وقت بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کی غیر آئینی تعیناتی ہے. تو جیسے قاضی امین نے کہا کہ آپ یہ امیجن کریں کچھ دیر کے لیے کہ یہ 2011 ہے تو کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ عدالتوں کے جو اندر پرانے کیسز گئے ہوئے تھے ان کو
बिल्कुल अदालतों के फैसलों के बरखिलाफ़ कोई कानून पास कर दें, और जिन लोगों को अदालतों ने जिनकी दरख्वास्तें मुस्रद की थी 2009 में या 2008 में, तो उन लोगों को पार्लियामेंट में कानून बना के अदालती फैसले को ख़त्म कर दें। क्या ये पार्लियामेंट अदालत का काम कर सकती हैं? क्या जो पार्लियामेंट है वो आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील कर सकती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब इन मामलों का आइन के बुनियादी ढांचे से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर ये कानून जो है वो बहाल रहता है तो इससे आइन का बुनियादी ढांचा कोई मुतासर नहीं होता। और फिर अटॉर्नी जनरल ने मिसाल दी कि अमेरिका में भी जो ऐसे तबकात थे, महरूम तबकात थे, वहाँ पे भी सिविल राइट्स मूवमेंट के नतीजे में एक कानून लाया गया जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ थी, जो ब्लैक्स थे, जो नेटिव्स थे, उस वाले से उन्होंने हवाल दिया कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ख़ास क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कानून साजी अमेरिका में भी की गई, और जो जिस तबके के साथ जो जो ज़्यादतियाँ होती रही उन ज़्यादतियों का अजाला करने के लिए अमेरिका पार्लियामेंट ने भी कानून पास किया। फिर जैसे मंसूर अली शाह ने एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी, और ये एक मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट था हियरिंग में, जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंट मुफाद आमा में कानून पास करने का बज़ाहिर हक रखती है, जैसे सैलाब आ जाए, जिलजिला आ जाए, तो पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ करना है और कानून पास करके खसूसी इमदाद भी वो जारी करती है, और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि जो मुतासरा तबके हैं, इलाके हैं, उन इलाकों के लिए कानून पास करे और उनको खसूसी माली इमदाद दे। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने जो है एक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने एक ऐसी क्लास के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला किया है जो कई साल से अदालतों में कानूनी जंग लड़ती रही है और वो ज्यादतियों के खिलाफ जो है वो खड़े रहे हैं, और 10 साल तक वो बगैर नौकरी के रहे हैं, और 10 साल बाद जब उन्हें बहाल किया गया 1997 में निकाला गया, 2009 में बहाल किया गया ऑर्डिनेंस के लिए, फिर 10 में कानून आया, तो उसके बाद फिर उनको जो है वो बहाल किया गया, तो पहले भी 10 साल वो जॉब के बगैर रहे हैं, और फिर अब 2021 में आगे फिर उन्हें निकाल दिया गया। तो बेसिकली ये वो तबका है जिसकी मदद करना पार्लियामेंट का फ़र्ज था, और इस कानून के से आइन को कोई नुकसान नहीं हुआ, आइन के किसी बुनियादी ढांचे पे कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ इस कानून की तशरीह ऐसे कर दी जाए कि अगर कोई कानून में ऐसी इबहाम है तो उसको भी दूर किया जा सके। जैसे मंसूर अली शाह ने फिर कहा कि जब कोई सैलाब से मुतासरा इलाका होता है और पार्लियामेंट अगर ये समझती है कि लोगों को फौरी तौर पर उस सैलाब के मुतासरा लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट जो है उस सैलाब से मुतासर लोगों को या आफत से मुतासर लोगों की नौकरियों के लिए भी तो कानून साजी कर सकती हैं। तो ये और बात है कि उस कानून के मुताबिक प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं, लेकिन पार्लियामेंट का अख्तियार यकीनन मौजूद है। तो जैसे मंसूर अली शाह रागब नज़र आ रहे थे अटॉर्नी जनरल की इस बात से कि पार्लियामेंट के पास यकीनी तौर पर कानून साजी का अख्तियार मौजूद रहता है। जैसे उमता बंदियाल ने कहा कि सवाल ये है कि जो बहाली है या जो रीइंस्टेटमेंट जैसे भी हुई है, आप जो हैं अब ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं, और कौन कौन से हकूक हैं जो मुतासर हो सकते हैं 2010 के कानून से जो आप समझते हैं मुतासर नहीं हुए? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब ये रीडिंग डाउन का या कानून की तशरीह करने के कुछ बुनियादी असूल ऐसे भी किए जा सकते हैं 2010 के बहाली के कानून के, कि इसमें किसी भी मुलाजिम को बग़ैर काम के कोई तनख्वाह ना मिले और किसी भी मुलाजिम को कोई तरक्की ना दी जाए फॉर अपॉइंटमेंट, और जो ख़ास तौर पे जो बहाल होंगे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप ये भी कह सकते हैं उनको किसी किस्म की कोई सीनियरिटी ना मिले। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने फिर इसरार किया कि जो रियासत के हुकूमत के इदारे होते हैं, क्या उन इदारों में अहल लोगों को, काबिल लोगों को लगाना, क्या ये शहरियों का बुनियादी हक नहीं है, और क्या ये बुनियादी हक मुतासर नहीं होते जब आप ना अहल लोगों को वहाँ पर लगा देते हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अहलियत की बुनियाद पर लोगों को नौकरी पर लगाया जाता है, और उसके बाद जो सीनियरिटी है या उनकी तरक्की है वो उनकी फिटनेस की बुनियाद पर होती है, तो जो शख्स अहल नहीं होता वो नौकरी के अंदर आ ही नहीं सकता, वो अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि
फिर उन्होंने मिसाल दी कि जब जैसे वबा का कोई मरहला आ जाए, वबा हो जाए, तो हुकूमत के पास ये भी अख्तियार है, पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है कि वो एक नया कानून पास करे कि जो वबा से मुतासर इंडस्ट्रीज़ हैं और जो लोग हैं या ख़ानदान हैं उनको खसूसी तौर पर नौकरियाँ देने के लिए भी कानून हुकूमत ला सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, और इससे पहले भी जैसे हम सरकारी मुलाजमों के बच्चों के लिए जॉब का कोटा मुकर्रर करते हैं तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, तो इससे भी जो है वो आइन के बुनियादी ढांचे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इससे भी कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि इससे पहले हमें किसी ने नहीं ये कहा कि ये जो है ये गैर कानूनी भर्तियाँ हुई हैं, इससे पहले तो हमें सिर्फ ये कहा गया था कि ये सिर्फ सीनियरिटी के मामला थे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कहीं भी अदालत के अंदर जो है वो किसी भी मौके पे भर्तियों को चैलेंज नहीं किया गया। जस्टिस उमता बंदियाल ने और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने भी कहा कि जो दोबारा आप लोगों ने बहाल किए हैं मुलाजमीन, उनको रेगुलर क्यों आपने बहाल कर दिया, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी कर सकते थे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने 11 साल जो है अब ये रेगुलर मुलाजमीन ने 11 साल रेगुलर जॉब कर ली है और इस 11 साल की रेगुलर जॉब के ख़िलाफ़ किसी ने कोई किसी अदालत में इसको चैलेंज नहीं किया, तो मेरी दरख्वास्त है कि कानून को महफूज कर लें और इसकी तशरी ऐसे कर लें कि जिस पर किसी को एतराज़ ना हो। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर बुनियादी असूल ये तय कर लिया जाए कि पार्लियामेंट के पास कानून पास करने का अख्तियार है तो फिर जो इंडिविजुअल केसेस अगर कोई शिकायत आती है तो वो नीचे अदालतें हाज़िर हैं, वहाँ पे जाके उनको फ़ैसला करने का मौका दिया जाए। इसके बाद जैसे उमता बंदियाल ने यह ज़रूर कहा कि हम जब फैसला देंगे तो उसके बाद हम उस ये भी हो सकता है कि उस फैसले में हम लिख दें कि जिसने अदालत में जाके कोई किसी को शिकायत है तो मुतलका अदालतों में जाके अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। इस पर रज़ा रबानी साहब ने भी बड़ी एक ज़रूरी वजाहत की, उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी मुकदमाबाजी निचली अदालतों में होती रही है किसी ने भी आइन के हवाले से नहीं कहा कि ये जो 2010 का कानून है ये गैर आइनी है, इसे ख़त्म किया जाए, सब ने कोई सीनियरिटी था कोई क्या था, मगर फिर ये तय हो चुका था मुख्तलिफ अदालतों में कि जो ये बहालशुदा मुलाजमीन है ये किसी के सीनियरिटी पर मुतासर नहीं करेंगे और जो सीनियरिटी लिस्टें हाई कोर्ट के लेवल पे जो फाइनल हुई थी उसमें ये बहालशुदा मुलाजमीन जो हैं ये सीनियरिटी में सबसे नीचे चले गए थे, तो सीनियरिटी के मामलात काफ़ी हद तक तय हो चुके थे और सीनियरिटी का भी इशू नहीं था। फिर जैसे उमता बंदियाल ने केस के आखिर में कहा कि हम ये फैसला महफूज करते हैं और कल 11 बजे सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फ़ैसला सुनाएगी। लगता यही है कि जस्टिस सज्जाद अली शाह भी कुछ कुछ रागब नज़र आ रहे हैं और आज का एक दिन है और कल ये फैसला हो सकता है 3-2 की अक्सरियत से मुलाजमीन के हक़ में आ जाए और वो बहाल हो जाए, ये भी हो सकता है कि 5 जज जो हैं वो मिल के इसको तस्लीम करें। सबसे अहम बात यह है कि जो जस्टिस उमता बंदियाल ने कहा कि ये अब नज़रसानी नहीं है, मतलब अब ये नहीं फैसला होना कि पहले वाला फ़ैसला गलत था या सही, अब ये है कि एक नए सिरे से 2010 के कानून की तशरी कर दी जाएगी, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर जो पुराना फैसला है 3 जजों का अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय नहीं देनी तो फिर तो यकीनी तौर पे ये 5 के 5 जजेस मुतफ़क़ा तौर पे एक नया फैसला भी दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और वो मुलाजमीन के हक़ में हो सकता है। और अगर पुराने जो 2 जजेस रह गए, एक तो रिटायर हो गए जैसे मुशीर आलम, अगर वो बरकरार रहते हैं कि नहीं 2010 के कानून बिल्कुल जो है हम बहाल नहीं कर सकते 2010 के कानून को, तो फिर ये 3-2 का भी हो सकता है, मगर देखें अब भी कल 11 बजे क्या फ़ैसला हो सकता है ये तो हमारे सब अंदाजे हैं, मगर एक अंदाज़ा तो शायद हुकूमत को भी है और हमारी अदलिया को भी है कि जो मुलाजमीन जो मुतासर हुए हैं इसमें उनका कसूर कम था या नहीं था, और ज़्यादा कसूर पार्लियामेंट का था, उस वक्त की हुकूमतों का था जो इन्हें पहले लाए और फिर जिन हुकूमतों ने उन्हें निकाला, तो इस उम्र में आके शायद ये मुलाजमीन और इनके अहले खाना जो हैं एक बहुत बड़े इम्तिहान में आ जाएंगे अगर उनको कानून की को ख़त्म करके नौकरियों से महरूम किया गया। कल देखते हैं, अच्छी की उम्मीद है और उम्मीद रखनी भी चाहिए, मायूसी वैसे भी गुनाह है। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।